राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक की ओर से कोयला कर्मचारी एवं उनके परिवारों के साथ मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय प्रवेश द्वार पर जमकर नारेबाजी की गई। इस आंदोलन में कोयला कामगारों के साथ महिलाएं छोटे बच्चे भी शामिल रहे। इंटक के महामंत्री के सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, बिजली, खराब आवागमन के रास्ते और निवासी क्षेत्र में फैल रही गंदगी के विरोध में ये आंदोलन छेड़ा गया। मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय चंद्रपुर क्षेत्र के मुखिया और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड प्रबंधन द्वारा जानबूझकर कामगारों को और उनके परिजनों को मिल रही सुविधा से वंचित रखने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रबंधन पर ऐसा गंभीर आरोप करते हुए तीव्र शब्दों में कड़ी निंदा की। के सिंह ने कहा कि जब कोयला खदानें शुरू थी और कोयले का उत्पादन हो रहा था, तब पिछले 40 साल से रह रहे कामगारों के परिवारों को प्रबंधन ने कभी भी हटाने की या उनके घरों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। जबकि अब चंद्रपुर क्षेत्र की कई खदानें बंद हो चुकी हैं और कई ऐसी खदानें हैं जहां से कोयले का उत्पादन नहीं होता है। कुछ कोयला कर्मियों को स्थानांतरण कर दूसरी खदानों में भेजा गया, इसलिए कोयला कर्मचारी और उनके परिवार उसी बस्तियों में रहते हैं जिसे प्रबंधन एक साजिश के तहत पूरी बस्ती को तोड़वाने में कार्यरत है। इसलिए कोयला कंपनी प्रबंधन पूरे क्षेत्र की बिजली और पानी में बाधा पहुंचा रही है, जैसे कि जानबूझकर पीने का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करना, जानबूझकर घरों की बिजली गुल कर देना, निवासी कॉलोनी की साफ सफाई न रखते हुए गंदगी फैलाने की साजिश करना, ऐसे कई सुविधाएं कामगार और उनके परिजनों से छीनी जा रही है। अगर किसी कोयला कामगारों या उसके परिवार को एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो उसे एम्बुलेंस नहीं दी जाती है, मगर अधिकारी इसी एम्बुलेंस से पिकनिक हो या मार्केटिंग हो या बच्चों के स्कूल में जाना हो खुलेआम इसका उपयोग करते हैं, जो कंपनी के नियम के विरुद्ध है। मगर प्रबंधन ऐसे किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोल इंडिया प्रबंधन से कर्मचारी वेलफेयर फंड उपलब्ध होता है, काफी सारा पैसा हर क्षेत्र को दिया जाता है, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर पूरा पैसा गबन करते हैं। विगत एक माह के अंदर दो भ्रष्ट अधिकारियों को सीबीआई द्वारा घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद भी चंद्रपुर क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इंटक के महामंत्री के सिंह प्रबंधन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब कोयला कर्मचारी खुद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलेगा और भ्रष्ट अधिकारियों की जानकारी सीबीआई अधिकारी को देकर दंडित कार्रवाई करेगी और इसमें राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक कामगारों के साथ है। हमारे कोयला कामगार और उनके परिजनों के साथ सिर्फ चेतावनी देने यहां पर उपस्थित हुए हैं। इसके बावजूद भी चंद्रपुर क्षेत्र की कोयला प्रबंधन की नींद नहीं खुली और समस्याओं का निपटारा नहीं किया गया तो मजबूरन हमें एक कड़े निर्णय लेते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी करनी होगी, जिसके लिए वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन, कोल इंडिया प्रबंधन और चंद्रपुर क्षेत्र के प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ चंद्रपुर क्षेत्र के अध्यक्ष चंद्रमा यादव, सचिव शंकर खत्री, दुर्गापुर क्षेत्र की अविनाश लांजेवर, किशोर ढूमने, लालपेट उप क्षेत्र से नागेश बंडेवार, दीपक मद्दीवार और विभिन्न कोयला खदानों से आए हुए कर्मचारी और उनके परिजन आंदोलन में सहभागी हुए। बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत शिकायतें हैं हमारी मैनेजमेंट के खिलाफ। मैनेजमेंट कामगारों का शोषण कर रही है, कामगार जो रिटायर्ड हो गए उनका शोषण कर रही है, हमारी कॉलोनी को बर्बाद कर रही है। वहाँ पे भ्रष्टाचार का ऐसा अखाड़ा बना के रखा है कि वेलफेयर के नाम पे करोड़ों रुपए हर साल खर्चा हो रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहे हैं मुझे मालूम नहीं। चाहे दवाखाना जाइए, चाहे रोड पे जाइए, चाहे कॉलोनी में जाइए, आपको सब गंदगी मिलेगी, सब ढेर मिलेगा, नालियाँ सब भरी पड़ी मिलेगी, पानी का शुद्ध पानी का इंतजाम नहीं है, तो पैसा जा कहाँ रहा है। हमारे जो दफाइयाँ हैं उनको खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है, लोग बार बार विरोध कर रहे हैं कि भाई खाली क्यों कराएंगे, जब खदाने चल रही थी तब खाली नहीं कराए, अब खदाने बंद हो गई हैं, ना ब्लास्टिंग है ना कुछ है, फिर काहे के लिए हम खाली करा रहे हैं। हमारे वो लोग जो रिटायर्ड हुए जिन्होंने मकान बनाया उनका पैसा रुका हुआ है किस चीज़ के लिए। हम देख रहे हैं कि हमारे जो औरतें हमारे कंपनी में काम कर रही हैं उनके साथ बदसलूकी हो रही है, छेड़खानी हो रही है, लैंगिक शोषण होने की हम शिकायत कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, लोग घूस खा रहे हैं, लोग पैसा खा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। हमारे जो उनके चहेते कामगार हैं उनको खैरात बांट रहे हैं, हजारों लाखों रुपए हर महीने बांट रहे हैं, और जब उनकी शिकायत करो तो हमने पैसा रिकवर कर लिया, एक्शन कुछ नहीं। दूसरे तरफ छोटी चोरी थी, जब 50,000 की थी, अरे 50,000 की चोरी में आप एक्शन नहीं लोगे और 5,00,000 में एक्शन लोगे, ये कहाँ लिखा है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं, अधिकारी काम पे रहेंगे नहीं, आपको ऑफिस के टाइम पे नहीं मिलेंगे, कोई लेबर ऑफिसर माइन में नहीं जाएगा। चंद्रपुर से हमारे संवाददाता सुनील ताइडे की रिपोर्ट।